सभापति महोदय, महज 5 मिनट। आज मैं विपक्ष के नेताओं को सुन रहा था। गुलाम नबी आजाद जी जब बोल रहे थे और इतिहास का जो पिक्चर दे रहे थे, वो पीढ़ियों को क्या इतिहास पढ़ाएगा, कश्मीर की कौन सी स्थिति को दिखाएगा। ये तो ऐसा ही है कि पीढ़ियों को यह बताना कि कश्मीर में सब कुछ बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, विपक्ष ने कहा कि यह सरकार कश्मीर के लिए क्या कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर राज्य को दिया है। स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा पैकेज कभी भी उस राज्य को नहीं दिया गया। 1,000 मेगावाट का विद्युत परियोजना वहां शुरू की गई है, जिससे पूरे राज्य को बिजली मिलेगी। विकास के जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, प्लीज इंश्योर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन विकास का कार्य जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसके दो बड़े पैमाने हैं जिसे विपक्ष को समझना होगा। मैं इतिहास की उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो कांग्रेस के और वामपंथी मित्रों को बहुत परेशानी होगी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि 80% मुसलमान थे और वे भारत के हिस्सा बने, मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब द्वि राष्ट्रवाद की आंधी थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो थे NWFP, वहां गफ्फार खान थे, रेड सर की आर्मी थी और वे भारत में रहना चाहते थे। पाकिस्तान क्यों गए, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। हम 47वें स्टेक होल्डर नहीं थे पार्टीशन के। आप बताइए कि NWFP जो भारत में रहना चाहता था, गफ्फार खान भारत के देशभक्त थे, रेड सर भारत में रहना चाहती थी, लेकिन आपने उसको पाकिस्तान भेज दिया। इसलिए मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं दो बातें करना चाहता हूं। कश्मीर की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण पर हम नहीं जा रहे हैं। 1947 से लेकर 1996 तक कश्मीर की पूरी राजनीति सामंती राजनीति रही है। लोकतंत्र को जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके दो कोलिशन पार्टनर होते थे, कि एक स्टेट गवर्नमेंट में कठपुतली सरकार, दूसरी केंद्र की सरकार। 1984 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को किस प्रकार से किसने गिराया, उस वक्त माननीय राजनाथ जी गृहमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर सरकार बनाई गई, फिर उसे गिरा दिया गया। यह क्यों किया गया, किस लिए किया गया? जो जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को कुछ परिवारों तक सीमित रखने की जो साजिश वहां की क्षेत्रीय दलों ने की, जिसका कांग्रेस सहयोगी बना रहा, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2002 से किया। दुनिया में जम्मू कश्मीर पर जितने स्टडी हुए हैं उसको आप देखिए, मोस्ट क्रेडिबल इलेक्शंस की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारत की जनता का, कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का विश्वास जमा, वो 2002 से शुरू हुआ, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2008 में चुनाव हुए, 2014 में चुनाव हुआ, प्लीज और अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए, आप माननीय मिस्त्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी नहीं करें। भाई देसाई की सरकार को गिराने वाले राकेश जी, आप इधर बात करें, चेयर से बात करें। देखिए, जब 2018 में जब पंचायतों के चुनाव हुए और 4,500 के करीब सरपंच और 32,000 से अधिक पंच चुने गए, पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के 312 सदस्यों का चुनाव वहां किया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पूरी तरह से चुनाव नहीं हो पाए। लोकतंत्र पहली बार जनता के दरवाजे तक पहुंची है। सामंती राजनीति कश्मीर से समाप्त हो रहा है, उसका दर्द दिखाई पड़ रहा है, चाहे PDP के रूप में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में है, यही दर्द दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कश्मीर का इतिहास ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख हुआ
जब ये कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस 4.5 साल की सरकार जिम्मेदार थी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी ने जिस सामान्य तरीके से, राकेश जी 5 मिनट समय पूरे हो रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूं खत्म करें। मेरी पार्टी के पास इतना समय था, 2 मिनट में ले ही सकता हूं। गुलाम नबी आजाद जी ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़ने के लिए एक सामान्य कारण बता दिया, वह बहुत ही असामान्य बात है। सभापति महोदय, कश्मीर की घाटी में जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन की ताकतें सीमा के पार से नहीं दुनिया के अन्य भागों से आकर कर रही हैं, जिसको पैट्रेंस देने के लिए वहां हुर्रियत और दूसरी पार्टियां हैं, जिसके लिए आज विपक्ष के नेता ने हुर्रियत के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया है, जो उसको एक वैधानिकता देने की कोशिश की है, वो साफ निंदनीय है। हम किसी भी ऐसी ताकत को लेजिटिमेसी नहीं दे सकते हैं जो कश्मीर में विभाजन की राजनीति का बीज बो रहा है, और यही कारण है कि कश्मीर में आतंकवाद की जो भी धाराएं हैं उसके पीछे वो साजिश है, जिहादी ताकतों का हाथ है। उन जिहादी ताकतों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सामान्य कश्मीरियों को उन जिहादी ताकतों से जोड़ने की गलती मत कीजिए। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, कश्मीर और जम्मू कश्मीर को यदि बदलना है तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को 2010 से लेकर 2016 तक जो पैकेज दिया गया, वहां प्रत्येक कश्मीरी नागरिक को, जम्मू कश्मीर के नागरिक को पर हेड 93,000 दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के जितने सेंट्रल एड्स हैं उसका 10% 1% जनसंख्या को जा रहा है। इससे सरकारें जो भी हैं, हमारे प्रयास रहे हैं, लेकिन इतिहास के उस बिंदु को मैं ठीक करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि कश्मीर में 1948 से लेकर लगातार पाकिस्तान की कोशिशें होती रही हैं, और इसी सदन ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, वो हमारा अभिन्न हिस्सा है। 24 स्थान रिक्त पड़े हुए हैं सभापति महोदय, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों का है। क्या यह सदन विचार करने के लिए तैयार है कि उन 24 लोगों को हम नॉमिनेट विधानसभा में कर पाकिस्तान को संदेश दे दें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचाना चाहते हैं? यदि विपक्ष तैयार है, हम 24 नॉमिनेशन करें, अपनी बात खत्म करें, चरित्र को बदले, अपनी बात आप खत्म करें। और मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही राय दूंगा, अपनी बात राकेश जब कांग्रेस के मित्रों से एक ही राय दूंगा कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में चाहे जो कह लें, जोग माया देवी जी का पत्र पढ़ लीजिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां थी, उस पत्र को पढ़ने के बाद आप निर्णय लीजिए कि राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम उनके विरासत को लेकर बैठे हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, कश्मीर विभाजन आप पैदा कर रहे हैं कि हम पैदा कर रहे हैं, जोग माया देवी जी के पत्र को पढ़कर।